नमस्कार, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्यश अग्रवाल बुक से, जो रेलवे एसएससी का मैथ पूछता है, इकाई अंक हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट फास्टली, आप कैसे तेजी से निकाल सकते हैं बहुत कम समय में। तो चलिए, पहला प्रश्न आप है कि 7 पर पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा। इसको कहते हैं हम लोग बेस पावर वाला, बी फोर बेस हो गया, अब पी फोर पावर, ये आपका बेस हो गया, ये आपका पावर हो गया। बेस पावर वाला हम लोग कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं फास्टली, तो आप मेरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो बड़े बड़े पावर मिलेगा तो कहीं कुछ कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर देंगे। कितना बड़ा पावर रहे, आप दाहिने तरफ से दो ही अंक उठाएंगे, दो ही अंक उठाएंगे, दो अंक क्या है 0 5। अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए और इसमें से आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 × 4 जो रिमाइंडर आपका आता है, ये रिमाइंडर आपका आया, जो रिमाइंडर आता है बेस पर रख दीजिए, बस आपका निकल गया। बेस हमारा क्या है 7, और 7 पर पावर 1 का मतलब कितना हो गया 7, यही आपका हुआ इकाई है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। जैसे आप दूसरा सवाल आपको देते हैं, जैसे दूसरा सवाल है कि यदि 13592 हॉल टू दी पावर, और इतना बड़ा पावर है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो दाहिने तरफ से हमें दो डिजिट उठाना है 46, इसमें हमें रिमाइंड क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देना है, 4 × 4, फिर 4 × 4 कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 2। बेस को उठाएंगे, बेस तो बहुत बड़ा पावर है ना, केवल हमें राइट हैंड साइड से जो इसको देखना नहीं है, बस केवल 2 को उठाना है और जो रिमाइंडर आया इस पर रख दीजिए, 2 × 2 कितना हो गया भाई 4। इस प्रश्न का इकाई अंक कितना होगा, आपका 4 होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप का हम लोग सवाल हल करेंगे, आप देखते जाइए। अगला सवाल है कि 7 पर पावर 71, 6 पर पावर 59 और 3 पर पावर 75, 7 पर पावर 71 यानी 7 पर पावर 71 गुना 6 पर पावर 59 और गुना 3 पर पावर 65 का इकाई अंक क्या होगा। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा पावर है, ध्यान रखेंगे 6 पर अगर पावर कुछ भी हो, कितना बड़ा पावर हो, उसका इकाई अंक आपका, जैसे 6 पर पावर 59 है, इसका इकाई अंक 6 ही होगा। 5 के ऊपर में कोई पावर, उसका इकाई अंक 5 ही होता है। 1 पर अगर आपका जितना बड़ा पावर हो, उसका इकाई अंक 1 ही होगा, 0 रहेगा तो 0 ही होगा, ये ध्यान रखेंगे 4 डिजिट को। ये 6 पर पावर 59 है, इसका इकाई अंक 6 होगा। अब बाकी बचा क्या भाई, ये 3 पर पावर 65 है, 65 को आप लिख सकते हैं 64+1 लिख सकते हैं, और 71 को क्या लिखे लिख सकते हैं, क्यों लिखे हम ऐसा, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो 7 पर पावर कर देंगे यहाँ 3, और 3 पर पावर यहाँ क्या कर देंगे, इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। ठीक है, तो 7 पर पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 7 × 7 × 7 = 49, 49 + 7 कितना होगा 343 से कितना लेगा 3, और ये 6, और 3 पर पावर 1 का मतलब 3, 6 × 3 = 18 कितना हुआ 54, 54 का इकाई अंक आप 4 मार देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है ना, और ऐसे निकालेंगे तभी आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। नेक्स्ट आपका है 7 to the power 95 - 3 to the power 58, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ यूनिट डिजिट, क्या होगा भाई इकाई अंक का सही आंसर क्या होना चाहिए। 7 पर पावर 95 और माइनस 3
3 to the power 58, इसका निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर 95 देख रहे हैं तो 95 को हम लिख सकते हैं 92 + 3, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, और 98 को हम लिख सकते हैं 56 + 2, इसका मतलब ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 2, 7 पर पावर 3, और ये कितना 3 पर पावर 2, जो रिमाइंडर आएगा बेस पर उतना ही रखते हैं, तो 7 पर पावर 3 का मतलब कितना हो गया 343, और 3 पर पावर कितना हुआ 9, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यदि 3 में 9 नहीं घट रहा कहोगे, माइनस में कभी आ ही नहीं सकता है, तो इसके आगे आप 1 लगा दीजिए, बिल्कुल बड़ा हो गया, तो कितना हो गया भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो इसका हम लोग जब भी निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर। नमस्कार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 × 82 × 83 अब गुना डॉट डॉट निवासी का इकाई अंक क्या होगा, 81 से लेकर निवासी तक का इकाई अंक गुना करने बाद कितना होगा उसका यूनिट डिजिट भाई। तो चलिए, हर टाइप का आपको सवाल मिल रहा है, तो इसको आप ध्यान देंगे, खाली कॉन्सेप्ट को समझना है, यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे 81 × 82 × 83 × 84 ... ये है आपका गुना निवासी तक, इतना बड़ा गुना करना संभव हमारे पास बस की बात भी नहीं है, और आपके भी बस की बात नहीं है, इसको गुना हम लोग जो कर रहे हैं इतना गुना करने की बस की बात नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे, जब ऐसे गुना के फॉर्म यदि रहता है और आपको 2 के साथ अगर आपका 5 मिल गया, 2 के साथ अगर 5 मिल गया तो समझ आइए आपका काम तमाम है। इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि 82 में आपका 2 है, और उसके बाद 84 के बाद 85 तो आएगा ही, इसका मतलब यहाँ पर 5 भी मिल रहा है इकाई अंक, और यदि गुना करने के बाद 15 कितना होता है 10, 10 का अंतिम अंक क्या है 0, तो यदि पूरे को आप गुना करेंगे ना, यदि पूरे को गुना करेंगे तो आपका लास्ट अंक 0 ही मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, आप आंसर मारेंगे 0, ठीक है ना। 2 के साथ आपको 5 अगर मिल गया तो पूरे गुना का जो फॉर्म आएगा ना, गुणनफल जो आएगा, लास्ट जो डिजिट होगा वो 0 ही होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको एक प्रश्न इसी में देते हैं, आप अनुमान लगा लीजिएगा, जैसे आप जैसे देख लीजिए, यहां पर आपका है 41 × 42 × 43 × 44 ... अगर आपका है 59 तक, तो आप अनुमान लगाएंगे कि मैंने बताया था कहीं अगर आपको इकाई अंक 2 मिले और कहीं 5 मिले, 44 के बाद 5 मिलेगा ना, क्योंकि 45 आएगा, इसको 5 उठा लेंगे तो गुना करें कितना आएगा 10, इसका मतलब टोटल गुणनफल जब करेंगे इसका लास्ट अंक 0 ही आएगा, ऐसे प्रश्न का इकाई अंक 0 आएगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझना, यदि कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे और ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना भाई। चलिए, तो अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। इकाई अंक का कहीं कोई प्रश्न अगर रहता है तो आप हमको बोलेंगे। अगला सवाल है कि 274 × 318 × 577, 274 × 318 और गुना आपका है 577 × 313, 577 × 313 का यूनिट डिजिट क्या होगा, कितना बड़ा गुणनफल दिया हुआ है। बड़ा रहने से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है बस, आंसर तो बहुत कम समय में आएगा, 2 सेकंड में आएगा। देखिए, इकाई अंक पूछता है, सबका इकाई अंक ले लेना, देख लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, 8 + 4 कितना हुआ 32, 32 का कितना हुआ 2, उसके बाद कितना हुआ 7 + 7 = 21, 21 का 1 लास्ट अंक लेना है, और ये दोनों गुना कर देना है, 2 × 1 = 2, यही आपका इकाई अंक का आंसर आ गया। देखे, मजा आ गया ना भाई, लाइक कमेंट तमाम लोग के भी शेयर कर देंगे भाई। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो अब देखा जाए कि 31 × 27 / 173, 31 × 27 / 173 का इकाई अंक क्या होगा, 31 × 27। चलिए भाई, 31 × 27 यानी 3127 ⁻⁷, यानी 31 × 27 जो है इस पर पावर आपका 173 का पूछता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, क्योंकि ये मामला है बेस पावर वाला, और जब मामला बेस पावर वाला रहता है तो बेस पावर में होता है कि कितना बड़ा पावर यदि रहता है तो
तो राइट हैंड साइड से क्या होता है, पावर का दो ही डिजिट उठाते हैं और उसमें फोर से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है बेस पर रख देते हैं। अब बेस पर रखने के बाद जो कैलकुलेशन होता है वही मेरा यूनिट होता है, इकाई अंक होता है। अब देखिए मेरा पावर कितना है, 173। इतना बड़ा पावर लेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। दाहिने तरफ से आप डबल डिजिट उठाइए 73 और 73 की यदि हम तोड़ते हैं तो 72+1 होगा भाई, 72+1 होगा। और हमको इकाई अंक निकालना, इसका मतलब तीन डिजिट को देखना नहीं है, केवल 7। इसका मतलब है कि ये 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, 7 to the power। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 7। देख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा। लाइक कमेंट्स तमाम लोग भी शेयर कर दीजिए भाई, बड़े बड़े ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपकी बार भी बहुत बड़ा पावर आ रहा है, हर टाइप का आपको लगे कि कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इससे एक प्रश्न रहता ही है रेलवे एसएससी में, एक मैथ रहता ही है इंग्लिश से। अगला है 24 64 हॉल टू दी पावर 17 93। 24 64 पर पावर 1793 और गुना है 615 पर पावर 317 और गुना उसके बाद है 131 पर पावर 491 और इसका निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए कितना बड़ा पावर है, लेकिन मैंने कहा कॉन्सेप्ट यदि समझेंगे तो कितना बड़ा पावर है इसको रफा दफा करना है विद इन 3 सेकेंड या 2 सेकेंड में, ठीक है ना। अब देखिए मैंने कहा था कि कितना बड़ा पावर है, यहाँ पर देखिए डबल डिजिट है, अरे डबल डिजिट लेना हमें तो आप देखिए 93 को हम लिख सकते हैं 92+1 क्योंकि 4 से कटने, जो 4 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 से कट रहा है, यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर भी 17 लिखेंगे, दो ही डिजिट लेना है, इसको 16+1 और मैंने कहा कि जब एक पर कितना बड़ा पावर रहे तो उसका इकाई अंक एक ही होता है, 5 पर कितना बड़ा पावर रहे थी 5 ही होगा और बाकी 4 पर है मामला 5 1 6 और 0। अगर इस पर कितना बड़ा पावर रहे तो इकाई अंक क्या होगा, वही सेम ही अंक होगा। जैसे यहां देख लीजिए इतना बड़ा पावर कितना बड़ा है, इसका 5 होगा, इसका 1 होगा, इसका मामला हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए आप देखिए, आप इसको देखिए, ये इतना बड़ा पावर है, लास्ट अंक एक है, इसका पूरे का इकाई अंक 1 होगा, गुना यहाँ 5 है, पूरे का इकाई अंक 5 होगा। उसके बाद यहाँ पर मामला 4 है, ये 4 से कट जाएगा, 92 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 4 पर पावर 1 का मतलब क्या होगा भाई, अब इसी को तो निकाल देना है। आप देख सकते हैं 4 5 कितना हुआ 20, 20 का अंतिम अंक कितना है 0। ये तमाम बड़े क्वेश्चन का जो है इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, आप 0 आंसर मारेंगे। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इकाई अक्ष अंक से संबंधित मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा हूं, आप ध्यान देंगे, यदि अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है आप दोबारा इसको देखें, तिबारा देखें, 4 बार देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो लास्ट सवाल जो है आपका, ये देख रहे हैं कि यदि 459 × 46 और गुना 28 और यहां पर तारांकित है, ध्यान रखें 28 पर तारांकित है, यहां तारांक मतलब यहां पर खाली जगह है, और गुना 484 का इकाई अंक, अब की बार दिया हुआ है भाई इकाई अंक खुद दिया हुआ है 2। ये तमाम क्वेश्चन का इकाई अंक दिया हुआ कितना 2 दिया हुआ, कहता है यहां पर क्या होगा, यहां पर जो तारांकित का स्थान है यहां पर क्या होगा, जबकि इकाई अंक दिया हुआ आपकी बात यहीं पर कहता भरने के लिए, भरिए क्या होगा यहां पर, अनुमान लगाइए। तो क्या करेंगे, सबका इकाई अंक लेना है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि यहां पर 9 है और यहां पर 6 है, 9 6 कितना हुआ 54, 54 का लेंगे 4 कंप्लीट हो गया, और उसके बाद यहां नहीं है जिसको यहां अंक लेना है, 4 4 कितना हो भाई 16, 16 का 6 लेना है। अब बताइए अगर हम 16 का 6 लेते हैं, अब 6 में हम कितना से गुना करेंगे ताकि इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा, अगर हम 1 से गुना करते हैं तो इकाई अंक 6 आता, 2 आता नहीं है,
अगर हम इसमें दो से गुना करते हैं तो 6 दुनी कितना हुआ 12। देखिए इकाई कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तभी आपका इकाई अंक 2 आएगा। और तमाम लोग जो है इस बड़े क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि तारांकित के स्थान पर आप 2 भरेंगे तभी आपका इकाई अंक 2 होगा, ठीक है ना। अच्छा लगा, मजा आया, लाइक कमेंट्स तमाम लोग के बीच शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों को यह चीज देखने का मौका मिले, ये कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिले, ताकि रेलवे SSC का मैथ वो सॉल्व कर सके। ज्यादा समय लगाना नहीं है, कम समय में और ऐसे बड़े बड़े सवाल को आप लोग विद इन 3 सेकेंड 4 सेकेंड मैक्सिमम 5 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। मजा आ गया। तमाम लोग अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, अभी ही जस्ट अभी शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ आप तमाम लोगों को फिर से एक बार नमस्कार और धन्यवाद।